7 साल हो गए थे जब अनिका को न चाहते हुए भी अपना घर छोड़ना पड़ा था, जब उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया था और खुद से दूर एक अनजान शहर भेज दिया था, क्योंकि जो बदनामी अनिका की वजह से उसके परिवार की हुई थी उसकी एक ही सजा थी। डॉक्टर, आप वापस से टेस्ट कीजिए, ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। अनिका, रिपोर्ट्स बताती हैं कि तुम 4 मंथ्स प्रेग्नेंट हो। आई नो सिचुएशन बहुत ही स्ट्रेसफुल है, लेकिन इससे पहले आप लोग कोई भी डिसीजन ले, लेट मी टेल यू, अबॉर्शन इज आउट ऑफ क्वेश्चन। इसका जवाब डॉक्टर नहीं, तुम दोगी। इन 7 सालों में उसके परिवार ने उससे एक बार भी बात नहीं की। अनिका ने उम्मीद छोड़ दी थी कि वो वापस कभी अपने शहर या अपने परिवार से मिल पाएगी, लेकिन अब अचानक उसके पिता का फोन आया तो उसे वापस लौटना ही पड़ा। पर इस बार वो अकेली नहीं थी, उसके साथ थी उसकी 7 साल की बेटी रिया और एक बहुत बड़ा मकसद। मम्मा, हम मनाली मेरे डैड को ढूंढने जा रहे हैं। रिया बेटा, कितनी बार बताया तुम्हारे डैड नहीं है। लेकिन स्कूल में टीचर्स बोलते हैं कि सबके मम्मी पापा होते हैं, और मेरे गेमिंग वर्ल्ड के कैरेक्टर्स की तरह मैं दूसरी दुनिया से तो नहीं आई हूँ ना, तो ऑब्वियसली मेरे नहीं डैड होंगे। या किसी जादूगर ने मुझे उसके हाथ में से बाहर तो नहीं निकाला। आबरा कदाबरा, रिया बाहर आ जा। तो क्या हम मनाली मेरे भाई को ढूंढने आए हैं? जन्म के कुछ पल बाद ही अनिका से उसकी बेटी को छीन लिया गया, और आज अनिका अपनी उस बेटी को ढूंढने वापस आई है। इस शहर ने अनिका को बहुत गम दिए थे। बिन माँ की बेटी अनिका ने अपने बड़े हुए वजन की वजह से दुनिया के खूब ताने सुने। फिर उसकी शादी एक ऐसे इंसान से जबरदस्ती करवा दी गई जो उसे फूटी आंख भी पसंद नहीं करता था। पर अब और नहीं, अनिका अब आगे बढ़ चुकी है और अब उसकी जिंदगी में उसके परिवार और कुणाल की कोई जगह नहीं है। आज वो कुणाल को डिवोर्स देकर हमेशा हमेशा के लिए इस शादी से आजाद हो जाएगी। मनाली में लैंड करते ही अनिका को अपने अतीत की याद आ गई, लेकिन वो इस अतीत को अपने आज का हिस्सा नहीं बनने देगी। अब वो पहले वाली अनिका नहीं रही। अनिका, कुणाल तुम्हें लेने एयरपोर्ट आ रहा है, तुम उसके साथ सीधी घर आ जाना। यहां तुम्हें 2 पेपर साइन करने हैं, एक डिवोर्स पेपर है और एक। तुम घर आ जाओ, मैं तुम्हें बताता हूं। कुणाल को वहां देखकर अनिका को अचानक अपने साथ हुए बुरे व्यवहार की याद आने लगी। हाउ डेयर यू अनिका, मुझे तो ये शादी करनी भी नहीं थी। किस हेल में फंसा दिया मुझे? शादी करते ही मैंने यह शहर छोड़ दिया था। एंड द वेरी नेक्स्ट डे मुझे पता चलता कि तुम्हारे पेट में बच्चा है। एक तो इसकी शक्ल देखता हूं ना, तो मुझे ऐसा लगता कि मुझे ऐसे गुनाहों की सजा मिल रही है जो कि मैंने कभी किए भी नहीं। हाँ, शादी का मंडप इसलिए छोड़ के भागा था क्योंकि तुम मुझे ना एक सेकेंड भी बर्दाश्त नहीं हो। क्या समझती हो? क्या लग, इसे कुणाल डोगरा का नाम मिल जाएगा? अच्छा, अब मनाली पहली बार आएंगे? नहीं, क्योंकि इतनी खूबसूरत चीज़ अगर मनाली पहली बार आए तो ऐसा पॉसिबल नहीं कि मेरी नज़रों से अननोटिस। कुणाल डोगरा नाम तो सुना ही होगा। क्या नाम है बेटा आपका? शिलखा, आपकी छोटी बहन है। चलो। अरे कहाँ जा रही है? मेरी गाड़ी है ना। हाँ हेलो अनिका, दिखी तुम्हें? मैंने वो आपकी बेटी कोई छोटी थोड़ी है, गेट से बाहर आएगी तो सिर्फ वही दिखेगी, सब उसके पीछे भी छुप जाएंगे। मैं करता हूँ फोन। आप बताइए ना आपको कहाँ जाना है, मैं छोड़ देता हूँ। मैं जिसको लेने आया था वो तो आई नहीं अभी तक।
आपने देखा किसी को फ्लाइट में मोटी सी लड़की हो गई है, 6 साल पहले ना वो 120 किलो की थी, अभी तक तो उसने डबल सेंचुरी पार कर दी होगी। मुझे तो लगता है फ्लाइट वालों ने उसे बोल दिया होगा कि अरे मैडम आप बैठोगी तो हमारी फ्लाइट कैसे उड़ेगी। एक्सक्यूज मी, आपको मनाली में किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो सिर्फ एक नाम याद रखना, कुणाल टोकरा। ये नाम आप किसी को भी लोगे ना तो आपको सीधा मेरे घर छोड़े। आई एम कुणाल टोकरा। और आप? अनिका गुलेरिया। ये वही कुणाल था जिसने अनिका को उसके रूप रंग की वजह से हमेशा खरी खोटी सुनाई थी। अनिका का पति जो आज उसका बदला हुआ रूप देख उससे पहचान ही नहीं पा रहा था, यहाँ तक कि जिस अनिका से वो इतनी नफरत करता था आज उसके पीछे पड़ा हुआ है। तुम अनिका गुलेरिया को लेने आए हो ना? ओ, ओ। हाँ डा, उस मोटे को तुम्हें किसी की टैक्सी में भिजवा दूंगा, आप है नहीं ना मेरे साथ कार में। हाँ टैक्सी रुके घर पर ही। भाई आप चलो। जाइए भाई निकलिए। साजू फटाफट इस टैक्सी का पीछा कर। हाँ। देख मैडम कार रुकी। हाँ। शक नहीं होना चाहिए। एक तहदीप तुम्हारा पेट सारी सच्चाई दिखाई देगा ना। पापा मैंने नहीं। कुणाल शादी के 1 घंटे बाद चला गया था। अब तुम्हारी 4 महीने की प्रेगनेंसी के बारे में तुम्हारी ससुराल वालों को पता चलेगा तो पता नहीं क्या होगा। काश काश तू भी अपनी मां के साथ ही। पापा मैं जानती हूं आपके लिए शादी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, इस वजह से तो मैंने भी हाँ कर दी थी, पर मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ। प्लीज ट्रस्ट मी, मुझे नहीं पता, मैं भी उतनी शॉक्ड हूं जितने आप हैं। मेरी कोई गलती नहीं, प्लीज प्लीज पापा। अनिका मनाली वापस तो आ गई थी लेकिन उसे अब रिया की चिंता होने लगी थी। रिया बहुत ही होनहार लड़की है और गेमिंग वर्ल्ड में स्वीट एंजल नाम से बहुत फेमस है। जिस तरह से रिया रहती थी ये कह पाना मुश्किल था कि वो एक लड़की है, उसमें अनिका की जान बसती है। वो अपनी बेटी को तो पहले ही खो चुकी है, वो अब रिया को नहीं खो सकती। अपने पिता का नाम देखकर अनिका ने फोन ना उठाना ही ठीक समझा। उसने फोन को साइलेंट करके रख दिया और आंखें बंद करके सो गई, जिसे मानो आने वाले तूफान के लिए तैयार हो रही हो। अनिका अपने घर ना जाकर होटल चली गई जहां उसने अपने लिए एक रूम बुक किया था। जिस फ्लोर पर उसका रूम था वो एक्सक्लूसिव वीआईपी एरिया था जहां सिर्फ 2 अपार्टमेंट्स थे। उसमें से एक रूम था होटल का मालिक रोहित मरवाहा का, जो अपने बेटे और छोटे भाई के साथ वहां रहता था। होटल में आकर अनिका ने रिया के साथ कुछ देर रिलैक्स किया और उसके बाद सीधा काम पर लग गई। वो अपना ज्यादा टाइम अतीत पर वेस्ट नहीं कर सकती थी। न्यूरोसर्जन्स की जिंदगी बहुत ही बिजी होती है और डॉक्टर अमृता उर्फ अनिका, जो कि देश के बेस्ट न्यूरोसर्जन्स में से एक थी, को अपनी जिम्मेदारियां निभाना बखूबी आता है। अनिका, what kind of behavior is this? कुणाल 2 घंटे तक एयरपोर्ट पर तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुम उसके साथ क्यों नहीं आई? हो कहां तुम? बस आ रहे हूं। जल्दी आओ। अनिका को घर वापस जाना था और उसे ये नहीं पता था कि उसका बदला हुआ रूप देखकर उसके घर वाले कैसा रिएक्ट करेंगे, क्या वो रिया को अपनाएंगे, लेकिन उसका घर जाना इस समय जरूरी था। हेलो मैम, आशा करती हूँ कि आपकी फ्लाइट सेफ एंड कंफर्टेबल थी और आपकी नींद भी पूरी हो गई होगी। याद है ना आपको 8 घंटे की नींद लेना जरूरी है। हाँ याद है। तुम ये बताओ कि तुमने मुझे वही बात याद दिलाने के लिए फोन किया है जो तुम 1 महीने से याद दिला रही हो, या कोई नई बात बताने के लिए?
एक्चुअली मैम मैं क्या करूँ, वो बिजनेस टाइकून रोहित मारवा, उनका वापस से मेल आया है। उनका कहना है कि वो अपनी दादी का ऑपरेशन इंडिया की सबसे बड़ी न्यूरोसर्जन डॉक्टर अमृता यानी कि आपसे कराना चाहते हैं। और इस वक्त आप दोनों ही मनाली में हैं, तो मैंने सोचा कि अपॉइंटमेंट फिक्स करना अच्छा रहेगा, है ना? बिल्कुल नहीं, ये बड़े लोग अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करने का सिर्फ ढोंग करते हैं। इनकी हेल्प करने का मकसद कुछ और ही होता है, बुजुर्गों का बिजनेस, प्रॉपर्टी एटसेट्रा एटसेट्रा, और हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। और वैसे भी मेरा मनाली आने का मकसद कुछ और है, मुझे डिस्ट्रैक्ट मत करो। थोड़ा सा रोमांस आ जाए तो नुकसान तो नहीं होगा, खैर सोच लो। वैसे फोटो भेजो, अगर ऐसा ही है तो तू ही मिले डॉक्टर अमृता बनके। वैसे भी मनाली में कोई डॉक्टर अमृता को नहीं जानता, या सबके लिए मैं अनिका गुलेरिया हूँ। ओके, वैसे मैं फोटो भेज रही हूँ, एक बार देख लीजिएगा। हाँ ओके। रिया बेटा, मम्मा जल्दी वापस आएगी और आते हुए आपकी फेवरेट चॉकलेट आइसक्रीम लेके आएगी। अभी जाओ अपने रूम में सो जाओ। सीधा रूम में जाना, मम्मा विल मिस यू। आर्यन बेटा, तुमको कितनी बार मना किया है मैंने, ऐसे रूम से बाहर मत निकला करो। चलो आ जाओ रूम के अंदर। कब? नहीं, चॉकलेट आइसक्रीम चाहिए। हाँ बेटा पापा दिला दे, चलो करो रूम के अंदर। चॉकलेट आइसक्रीम? ऐसे जिद नहीं करते बेटा, चलो। हमेशा शांत और गुमसुम सा रहने वाला आर्यन, जिसने कभी अपने डैड रोहित के सामने इस तरह से बिहेव नहीं किया है, रोहित जानना चाहता था कि उसके बेटे के बिहेवियर के पीछे का कारण क्या है, और इसलिए उसने सीसीटीवी फुटेजेस मंगवाए और वो फुटेजेस देखकर वो दंग रह गया। सीसीटीवी पर आर्यन जो अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स से भी बात नहीं करता था, एक अनजान लेडी के साथ था जो उसके गालों पर किस भी करती है, ये देखकर रोहित बहुत हैरान था। आखिर कौन थी ये लेडी? यहाँ पे बस इतना ही, आगे सुनना है तो अभी डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM ऐप।